राधे राधे, राम राम। आप लोगों के बीच फिर नए विषय के साथ। आज का विषय है नर से नारायण। इस समय जो युग चल रहा है, इस युग में जीवन व्यतीत करना, निर्वाह करना किसी लड़ाई से, किसी युद्ध से, किसी रण से कम नहीं है। ये बात अलग है कि सबके जीवन में अलग अलग लड़ाई चल रही है। कोई दो रोटी के लिए लड़ रहा है, कोई 200 करोड़ के लिए लड़ रहा है। दो रोटी और 200 करोड़ के बीच और बहुत छोटी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। एक विद्यालय की कक्षा का छात्र अपने विद्यालय में प्रथम आने के लिए लड़ रहा है। उसी विद्यालय की कक्षा का दूसरा छात्र अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए लड़ रहा है। उसी कक्षा का तीसरा छात्र केवल अगली कक्षा में जाने के लिए लड़ रहा है। एक हाउसवाइफ अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लड़ रही है। एक वकील केस जीतने के लिए लड़ रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तु को बेचने के लिए लड़ रहा है। एक किसान पर्यावरण से लड़ करके अच्छी फसल के लिए लड़ रहा है। हर व्यक्ति लोकाचार, शिष्टाचार, समाज की लड़ाइयां लड़ रहा है। कहने का मतलब है, ये सारी लड़ाइयां हमारे शरीर की हैं, हमारे शरीर के सुख के लिए हैं। लेकिन आत्मा के सुख के लिए हमने अभी तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं। तो मेरे भाई, जाने वो लड़ाई क्या है। रण के लिए, लड़ाई के लिए सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है। उस भूमि का नाम है अंतःकरण, हमारा प्रथम पड़ाव। रणभूमि की आवश्यकता है, उसका नाम है अंतःकरण। जिस समय अर्जुन महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अनेक अनेक कारण बताए, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, पूरे ही परिवार के बंधुजन हैं, मना कर दिया, अपना अंतः द्वंद बताया है, मन की बेचैनी बताई है। प्रभु ने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन के अंतःकरण को पुष्ट कर दिया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए अर्जुन। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि अंतःकरण हमारा कार्य क्षेत्र है, ये हमारा नियंत्रण करता है, हम पर कंट्रोल करता है। अंतःकरण सदैव हमें प्रसन्न बनाए रखने के लिए प्रयासवान रहता है। हमारे मुख की हंसी अंतःकरण का आभूषण है, उसका श्रृंगार है। मेरे भाई, कहने का अर्थ है कि अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो आपका अंतःकरण, आपका हृदय प्रसन्न रहता है आपके मुख की प्रसन्नता से। तो रणभूमि हमें प्राप्त हो गई, प्रथम चरण हमारा रणभूमि अंतःकरण हमें प्राप्त हो गया। दूसरा चरण, महाराज रण करने से पहले रणनीति की आवश्यकता होती है। तो हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति है जागरण। दूसरा चरण हमारा नाम है जागरण। आज हम जागे हैं परम प्रकाश की ओर चलने के लिए, अपने सत्य परमात्मा से मिलन के लिए। अब ये अवचेतन अवस्था हमें घेर नहीं सकती है। कोई भी अवचेतन अवस्था हमें घेर नहीं सकती है, क्योंकि युद्ध के बीच में कब, कौन, कहां, किस प्रकार आपके ऊपर आक्रमण कर दे। इसलिए हमें चैतन्य रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। ये हमारी रणनीति है, जागृत अवस्था में रहना, जागृत अवस्था।
और महाराज, इसी के साथ हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है प्रण। युद्ध प्रारंभ होने से पहले संकल्प होता है, हमारा प्रण है हमें प्रभु का स्मरण करना है। हो सके काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान कुबुद्धि का अगर आप त्याग कर सकें, विस्मरण कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा प्रण स्मरण करना है, हमारा प्रण विस्मरण करना ऐसा तो नहीं है, हमारा प्रण है स्मरण करना। युद्ध में सदैव अपने प्रण को याद रखना है, अपने लक्ष्य को याद रखना है, हमें प्रभु को भूलना नहीं है, स्वयं को प्रभु के लिए निवेदित बनाए रखना है, यही हमारा प्रण है। और इसी के साथ हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं महाराज, उसका नाम है चित्रण। इसमें दो शब्द हैं, एक चित्र है एक तृण है। जिस प्रकार का हमारे शास्त्रों में उल्लेख आया है, आनंद कंद परमात्मा, भक्त वत्सल परमात्मा अशरण को भी जो शरणागति प्रदान करते हैं, ऐसे मेरे परमात्मा हैं, उनका चित्र उनका तृण ओंकार बिंदु शून्य अपने हृदय में अपने चित्त में धारण कर ले। इसके बाद पंचम चरण में प्रवेश करते हैं, नाम है वरण। आज तक हमने जो कुछ किया वो अपने सुख के लिए किया, अपने परिवार के सुख के लिए किया, ये आवरण है। आज से हम जो कुछ करेंगे वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, मेरे भाई ये अनावरण है। प्रभु वर हैं, हम वधु हैं। जब कन्याकुमारी रहती है अपने लिए जीवन जीती है, अपने परिवार के लिए जीवन जीती है, जब विवाह हो जाता है अपने पति के लिए जीती है, उनके परिवार के लिए जीती है, तो अपने लिए जीना आवरण है, प्रभु के लिए जीना अनावरण है। जब आपके जीवन के आवरण में से आ निकल जाएगा तब केवल बचेगा वरण, हमारा और प्रभु का वरण हो गया। मेरे भाई, अब आपकी सारी चिंताएं, वधु की सारी चिंताएं वर को हैं। आपकी प्रथम चिंता, हमारी प्रथम चिंता, हमारा भरण कैसे हो। हमारे प्रभु हमारे वर सकल लोक भरण हैं, सभी के सभी जीवों का पेट भरते हैं मेरे वर, तो क्या मुझे भोजन की, क्या मुझे भरण की चिंता करनी चाहिए? नहीं, मुझे भरण की चिंता नहीं होनी चाहिए। दूसरी चिंता है मरण। हमारे वर अमरण हैं, वे अब हमारे सुहाग बन चुके हैं, हम भी अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, हम भी अमर हो चुके। और तीसरी चिंता तरण। हमारे वर तारणहार हैं, जब किसी को मोक्षादि की इच्छा होती है हमारे प्रभु की कृपा से वह उस मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसे हमारे वर हैं, हमें अब जीवन में तरण की चिंता भी नहीं है, सारी चिंताओं का नाश हो गया जब हमारा और प्रभु का वरण हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं अगले चरण में, छठवां चरण, नाम है अवतरण। अब प्रभु
हमारे जीवन में प्रकट हो रही है। वह नीला प्रकाश हमारे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। हमारे अंतःकरण के कोने कोने को उसने प्रकाशवान कर दिया है। आज हमें पूर्ण शुद्धि से कोई रोक नहीं सकता है। हमने कई बार आपसे कहा, इन बातों को आप भूल जाएं, इन बातों का आप त्याग कर दें, इन बातों का आप विस्मरण कर दें। जो भाई करने में सक्षम हुए उनका अभिनंदन है, और जो इस पड़ाव तक उन बातों को लेकर के आ गए हैं, तो आपको कोई भय की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में अब अवतरण किया है। इसीलिए हमारे सभी चिंताएं, हमारे सभी प्रकार के भय प्रभु ने हरण हर लिए हैं। अब हम निर्मल हो चुके हैं, हम अभय हो चुके हैं। हमारे जीवन में प्रभु का अवतरण हमें अभय प्रदान करता है। इसी के साथ चलते हैं सातवें चरण में, जिसका नाम है अभ्यारण। अब हम जिस भूमि पर आ चुके हैं, वहां का पर्यावरण बड़ा ही मनमोहक है। हम देख सकते हैं लहराते हुए वृक्षों को, उमड़ते बादलों को, वन में नाचते मोर, पुष्पों की सुगंध वायुमंडल में मिश्रित हो रही है, और वो गंध मस्तिष्क को आनंद प्रदान कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। नदियों का कलकल निनाद, सागरों की उमड़ती लहरें आनंद प्रदान कर रही हैं। पक्षियों की भाषा व्याकरण संगीत में परिवर्तित हो करके परम आनंद का दर्शन कर रहे हैं। नीला फैला हुआ प्रकाश है, क्षीर सागर में विराजमान नारायण के चरणों को दबाती हुई माता लक्ष्मी का दर्शन है। भोलेनाथ नंदी पर माता पार्वती के संग में कार्तिक गणेश के संग सवार हैं। चारों वेदों को धारण किए हुए ब्रह्मा हमें दर्शन हो रहे हैं। यहां सभी चीज पूर्ण है। जिस बात का विचार करते हैं वही बात हमें सामने दिखाई दे रही है। मेरे भाई, इस अभ्यारण का श्रेष्ठ सुख है प्रभु की लीलाओं का, प्रभु की कथाओं का श्रवण करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आनंद बना रहे, तब आप इस अभ्यारण्य में निरंतर विचरण करते रहें, आपका आनंद नित्यानंद में परिवर्तित हो जाएगा। मेरे भाई, इसी के साथ करते हैं आठवें चरण में प्रवेश, जिसका नाम है वितरण। हमने जो भी सुख, जो भी आनंद अभी प्राप्त किया है, वही सुख अब हमें वितरण करना है। हमारी भाषा, हमारी दिनचर्या, हमारा भजन, हमारा व्यवहार, हमारी धैर्यता हमारे आनंद का प्रदर्शन है और प्रसारण है, वही वितरण है। मेरे भाई,
जब उस आनंद को आप संसार में परिवर्तित करते हैं, वह अभ्यारण्य विराट रूप धारण कर लेता है। जो सुख आप अभ्यारण्य में प्राप्त कर रहे हैं, वही सुख आपको संसार में प्राप्त होने लगेगा। ये वितरण का लाभ है कि आपका सुख, आपका आनंद अनंत गुना हो जाएगा। अनंत गुना करने के लिए उसका वितरण करते रहें। और अब नौवें चरण में हम प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है गौचारण। अब लीला प्रत्यक्ष होने जा रही है। ब्रज भूमि है, गौओं का स्वर सुनाई दे रहा है, वेद ध्वनि हो रही है, शंख घंटे घड़ियावल की ध्वनि सुनाई दे रही है। गायों की खुरों से वायुमंडल में ब्रज रज बादल बना रही है। मानिए कि ब्रज रज की आज वर्षा हो रही है। मेरे गोपाल, मेरे गोविंद गौओं के मध्य में बैठे हुए हैं, उस वर्षा का स्नान कर रहे हैं। उनकी मुरली, उनकी वंशी हृदय को हरण कर रही है। वह रज प्रभु के केशों पर विराजमान हो रही है। भगवा सूर्य परम प्रकाश को प्रदान कर रहा है। ब्रज रज प्रभु के चरणों से स्पर्श होने के बाद, गौओं के चरणों से स्पर्श होने के बाद, वो रज परम औषधि बन चुकी है, परम औषधि बन चुकी है। विरही जनों के लिए ये अमृत के समान है। मेरे भाई, नौवें चरण में प्रभु की चरण शरण हमें प्राप्त हो जाती है। यही रण से नारायण प्राप्त करना है, रण छोड़ राय भगवान को प्राप्त करना है। फिर नए विषय के साथ आप लोगों के बीच हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राधे श्री राम।